हेलो दोस्तों बहुत दिनों से मेरे चीप में अलार्म बज रहा कि तुम लोग एम के बारे में गलत सलत पढ़ रहे हैं तो आज बस एक वीडियो बनाना चाहता हूं जो कि आप लोगों को सच में हेल्प करे ऐसी कोई एम मोटिवेशन टाइप वीडियो नहीं लेकिन कुछ बस सच में इंटेलेक्चुअल चीज़ आपको बतानी थी कुछ ऐसा बताना था जो शायद आपको इस एज में काम आए रिसेंटली uh, मैं एक पॉडकास्ट देख रहा था जिसमें लाइक प्रोडक्ट डेवलपमेंट और उस सब के बारे में बताया जा रहा था बताया गया था कि अगर कोई प्रोफेशनल है अगर किसी चीज़ की नॉलेज आपको बहुत ज़्यादा है तो आप काफ़ी अच्छा एंट्री बैरियर क्रिएट कर सकते हो बिजनेस के अंदर तो बेसिकली जो भी लोग यहाँ पे एम के अंदर आते हैं या फिर कोई भी मतलब डॉक्टर बनने की सोच रहा होता है तो किसी सोच रहा होता है वो क्या देख के आता है वो सैलरी देख के आता है या तो कोई प्राइवेट मतलब मैदानता के अंदर या फिर कोई और हॉस्पिटल के अंदर सैलरी ले रहे हैं न्यूरो सर्जन या फिर न्यूरो जेनाइटल के जो एक्सपर्ट्स होते हैं ये सब कोई क्लिनिक पे इस्टैब्लिश बनता है अपने आसपास का डॉक्टर उसको देख के कोई इन्फ्लुएंस हो जाता है कि हाँ भाई डॉक्टर एक बहुत अच्छा प्रोफेशन है बहुत ज़्यादा पैसे कमाए जा सकते हैं इसमें लेकिन एक बात आप इग्नोर करते हो कि वो लोग वो डॉक्टर्स थे जिन्होंने बहुत पहले डॉक्टरी कर ली और वो इस्टेब्लिश हो गए हैं एंड आज के ज़माने में ऐसा नहीं होगा शायद कि आप क्लिनिक बनाओ तो शायद वही आपके लिए सबसे ज़्यादा एफिशिएंट चीज़ हो आप शायद बाकी चीज़ों पर ध्यान नहीं दे रहे हो जैसे कि सोशल मीडिया मार्केटिंग हो गया या फिर बिजनेस डेवलपमेंट हो गया या फिर कंपनी खोलना हो गया या फिर किसी भी तरीके से अंटरप्रनोरियल जो नॉलेज होता है वो गेन करना आप अगर आ रहे हो एम में तो ये काफ़ी अच्छी बात है लेकिन ये वाला माइंडसेट मत लेके आओ कि हाँ आपको एक सैलरी लेनी है हमेशा या फिर आपको क्लिनिक खोलना है ये अपने दिमाग में मत रखो अपनी पॉसिबिलिटीज़ को ओपन रखो और जो भी आपकी मोटिवेशन है आज अगर आप कुछ लोग जो होते हैं वो बोलते हैं कि मेरी मोटिवेशन है कि मैंने अपने आसपास का एक डॉक्टर देखा था उनकी तरह मेरे को भी आज क्लिनिक खोलना है ये चीज़ पे क्लिंग ऑन करके आप बताओ मे बी के अंदर कि हाँ भाई मेरे को तो यही करना है लाइफ में और मैं यही करूँगा आजकल के ज़माने में बहुत ज़्यादा बिजनेस चल रहे हैं या फिर कुछ स्टार्टअप चल रहे हैं सब के बारे में भी आपको जानना है और वर्क डेवलपमेंट के बारे में जानना है और मेरे को नहीं लगता है कि इसके जो डॉक्टर्स होंगे उनमें जो सबसे अमीर बना होगा वो बस एक सैलरी वाला बंदा होगा या फिर ऐसा बंदा होगा जिसने लाइक एम कर लिया उसके अलावा और कुछ किया नहीं एंड बस क्लिनिक खोल लिया तो उसका क्लिनिक चलने लग जाएगा ऐसा बिल्कुल नहीं होगा इस ज़माने के बाद से डॉक्टर्स जो भी होंगे को एक हो उनको एक सोशल मीडिया प्रेजेंस रखनी होगी उनको तो कुछ ऐसा अलग से टैलेंट रखना होगा अपने अंदर भी ऑल इंडिया रैंक अच्छी खासी आप ले आओगे वो तो अच्छी बात है लेकिन लाइफ आपको दूसरे तरीके से टेस्ट करेगी ज़्यादा इस बारे में सोचने की कोशिश करो बस मेरे को यही कहना था कि आपको इस तरीके से सोचना है और ये बात को अपनी मोटिवेशन बनानी है और तब एम में आने के बारे में सोचना है मैं नहीं बोल रहा कि किसी को डिमोटिवेट कर रहा हूँ कि हाँ क्लिनिक नहीं चलेंगे ये सब लेकिन आपको अपना माइंड जो है वो इस चीज़ पर क्लिनिक रखना कि हाँ सैलरी क्लिनिक या अपने आस जो आप डॉक्टर्स देख रहे हो वैसे ही आपकी लाइफ होगी ऐसा भी हो सकता है कि आप बाद में पैथोलॉजी की स्पेशलिस्ट बन जाओ जिसने एक ऐसी कंपनी क्रिएट कर दी क्योंकि आप पैथोलॉजी के बारे में बहुत अच्छे से जानते थे और फिर आप मतलब उस चीज़ से पैसे कमा रहे हो ये कॉन्सेप्ट जो है कि आप करोड़पति बनोगे डॉक्टर बन के आज अगर आप क्लिनिक खोल लो या फिर आप सैलरी ले लो वो मुझे लगता है ऑप्सलीट हो गया है आपको ज़्यादा से ज़्यादा एम के अलावा भी बाकी चीज़ों के अंदर एक्सप्लोर करना होगा कि मैं कोशिश कर रहा हूँ यूट्यूब चैनल चला के या जा फिर ज़्यादा से ज़्यादा मैं आगे कोर्सेज लेने की कोशिश करूँगा और जानने की कोशिश करूंगा और अपना बेटर वर्जन बनने की कोशिश करूंगा शायद आपको भी कुछ शेयर करूँगा अब भी कुछ सीख पाए मैं भी कुछ सीख पाऊँ आपसे बस तो यही कुछ कहना था आपसे ये अपना ओरिएंटेशन थोड़ा डिफरेंट तो और अगर आप मेरे को कुछ बताना चाहते हो तो ज़रूर कॉमेंट बॉक्स में बता सकते हो ये ऐसी कम्युनिटी हमारी कि मैं भी आपसे कुछ सीखना चाहता हूँ मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और थॉट प्रोवोकिंग बात करेंगे कुछ और थॉटफुल बात करेंगे ले टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग